बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। रवि सर, आज सुबह आपकी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद अभी अंधेरी बायपोल इलेक्शन से आपने अपना उम्मीदवारी नामांकन पीछे लिया, आपके उम्मीदवार ने, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महाराष्ट्र में पहले से ऐसा प्रैक्टिस था, उसके वजह से वो लोग भी रिक्वेस्ट किए, सार्वजनिक रूप में भी निवेदन किए, उसके वजह से पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया है। आशीष जी का इसके बारे में कहना था कि उम्मीदवार जो है उनके नॉमिनेशन मतलब रहना चाहिए, ऐसे एक न्यूज़ थी, उसके बारे में क्या कहना है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को उत्तर देना ठीक नहीं होता है, पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया है। लेकिन लेने के लिए राज ठाकरे और शरद पवार जी को आह्वान करना पड़ा, उसके बाद बीजेपी ने फैसला लिया, ये पहले से एक प्रैक्टिस था, है ना? पहले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी के उस समय भी वो वापस लिया था, ये प्रैक्टिस के वजह से वो रिक्वेस्ट भी किया। पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी नहीं चेंज होता है, मैथमेटिक्स भी चेंज नहीं होता है। महाराष्ट्र में एक सीट में कंटेस्ट नहीं किया, इसके वजह से केमिस्ट्री चेंज होगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स चेंज होगा, ऐसा भी नहीं है। पहले से एक प्रैक्टिस था और वो लोग निवेदन किया, उसके वजह से पार्टी चर्चा करके निर्णय लिया। एक एक आदमी अर्जुन पटेल के कुछ कार्यकर्ता जो है अंधेरी में बीजेपी के खिलाफ अब घोषणाबाजी भी कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में 100% ऐसा नहीं रहता है। डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी से चलता है। मुरजी पटेल अच्छा कैंडिडेट है, ये 100% जीतने वाले थे, बट उसको रिक्वेस्ट के वजह से पहले से एक प्रैक्टिस था, अब प्रैक्टिस फॉलो करना, ऐसा निवेदन, सभी को निवेदन के वजह से पार्टी चर्चा करके वापस लेने का निर्णय लिया। ये डेमोक्रेसी डिस्कशन, इसके बाद निर्णय होता है। हम लोग एक आदमी का पार्टी नहीं है ना, पार्टी में चर्चा करके बाद में निर्णय लेना पड़ता है। अब उन्हें पीछे लेने के लिए आपने कहा है, तो उनका राजकीय पुनर्वसन आप करेंगे कि नहीं? या उनका कहना क्या था, क्या मैं पीछे लूंगा या उतना खर्चा होता है या उम्मीदवारी अर्ज भरा जाता है? ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर दिए थे, उनको 32% वोट मिला था। शिवसेना उम्मीदवार बीजेपी शिवसेना साथ थे उस समय, 42% वोट मिला थी। आज ऐसा चर्चा डिमांड, ऐसा उन्होंने डिमांड किया नहीं। हर कार्यकर्ता को क्या करना पार्टी सोचता है। आप कह रहे कि प्रैक्टिस है, लेकिन 2019 के बाद ऐसे दो चुनाव हुए हैं जिसमें सेम सिचुएशन थी, लेकिन बीजेपी ने वहां अपना कैंडिडेट दिया और चुनाव हुए। शिवसेना के मतलब ठाकरे गुट के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसके वजह से ये विड्रॉ किया है नामांकन। हारना, जीतना, जिताना किसको हाथ में रहता है? जनता के हाथ में रहता है। ये आने वाले बीएमसी चुनाव है ना, बड़ा आंकड़ा है बीएमसी चुनाव। हम लोग उस समय हमारा ताकत क्या है दिखाएंगे। ये कहा ये जा रहा है कि वहाँ से जो निगेटिव रिपोर्ट मिली थी मुरजी पटेल को लेके, कि शायद उनके सहानुभूति का फायदा उद्धव सेना को हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम सोच करके निर्णय लिया, वो सभी को निवेदन के वजह से सोच करके निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। तो आपका कहना ये है कि राष्ट्रीय ने निवेदन दिया, इसलिए आपने कैंडिडेट का पीछा? हाँ, हर बार ऐसा नहीं तो नहीं होता है, कुछ समय होता है। सर, महाविकास आघाड़ी नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव हारने वाली थी, इस वजह से फैसला लेके लिया है, लेकिन अब
सहानुभूति मिला खुद को लेने के लिए आप ऐसे मैं भी 30 साल से राजनीति क्षेत्र में हूँ। मुझे लगता है चुनाव दो तरीका से होता है, एक तरीका सहानुभूति, दूसरा तरीका ताकत। ताकत के वजह से आज भी हमारा कैंडिडेट, हमारा पार्टी मजबूत है, आज भी अभी भी हम मजबूत है। लेकिन सर पंडरपुर में सहानुभूति है नहीं है, चुनाव होने के बाद पता हो जाता है, पहले नहीं। पहले 100% जीतेंगे वो लोग भी हार गया है, वो 100% हारने वाले भी जीत सकता है। पॉलिटिक्स में एक एक दिन में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चेंज होता है, ऐसा नहीं है। ताकत के वजह से पार्टी आज भी ताकत तो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन पंडरपुर में आपने चुनाव लड़ा था, पंडरपुर में भी सहानुभूति थी, पंडरपुर में जो आपने आज जो निकष लगा है कि हेड सहानुभूति पर हमने चुनाव हमें जीते पंडरपुर में, बीजेपी ने जीता। सीटी रवि जी आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस है, लेकिन नामांकन दाखिल करने के पहले इस बातों का विचार क्यों नहीं हुआ? पहले निवेदन किया नहीं वो लोगों, चैलेंज के बाद किए, हम भी चैलेंज स्वीकार किए, बाद में निवेदन किए, निवेदन के वजह से चर्चा करके निर्णय लिया। सर ये आशंका भी है क्या कि इस जगह पर अभी आगे भी 2024 को भी बीजेपी ही सीट लड़ेगी, मतलब शिंदे सरकार से ये अभी सीट आपके खाते में आ गई है? कब 24 आता है उस समय निर्णय करेंगे, आज का निर्णय आज किया है। धन्यवाद। वो छोड़कर बाकी प्रश्न है तो पूछिए। रवि साहब क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से आपको फोन किया गया था, क्या अप्रोच किया गया था, वो किस तरह का रिक्वेस्ट किया गया था? उन्होंने कल रात निवेदन किया सार्वजनिक रूप में, फोन भी किया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे है, फोन भी किया है, मुझे है फोन भी किया है, ऐसा दूसरों के माध्यम के बात हुआ, ऐसा भी है। पूरा सार्वजनिक रूप में चर्चा नहीं कर सकता, प्रैक्टिस और निवेदन उसके बारे में हम चर्चा करके निर्णय लिया है। बड़ा अकड़ा बीएमसी है, हम उस समय कमजोर है, ताकत है, पता होगा सबको। धन्यवाद। सीटी जी एक बात जानना चाहेंगे कि उद्धव जी की देवेंद्र फडणवीस जी के साथ कुछ बात हुई है इस विषय को लेकर? आप देवेंद्र जी के प्रश्न पूछिए। धन्यवाद। आप सुबह उनसे मिले, आपको कुछ जानकारी? आज बीएमसी की मीटिंग की है। भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, केवल चुनाव कर रही है, चुनाव के लिए तय किया ऐसा पार्टी नहीं है। चुनाव है नहीं है, संगठन का काम चलते रहता है। सिटी जी आपकी सुबह बात। ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाइव ला सब्सक्राइब करा, बेल आयकॉन